हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कोने वीडियो आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज है अपने पास ऑल्टो K10। इस गाड़ी के ऑलरेडी मैं वॉक अराउंड वीडियो डाल चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो जाके भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। आज भाई मैं इस वीडियो में इसका ड्राइविंग रिव्यू दूंगा, कैसी गाड़ी चलने में क्या फीडबैक है, जैसे मैं ब्रीजा ओनर हूं तो मेरे को क्या क्या डिफरेंस लगते हैं। हालांकि सेगमेंट तो एक नहीं है, बट भाई चला रहा हूं तो थोड़े बहुत बता दूंगा। अगर इसकी इंजन स्पेक्स की बात करें तो भाई ये ऑल्टो K10 है ना, तो इसमें आपको 1000 cc का इंजन मिलेगा, 3 सिलेंडर वाला, जो कि प्रोड्यूस करता है 67 bhp और 90 Nm का टॉर्क। और इस गाड़ी के लिए ना भाई मोर देन इनफ है वो, मतलब अगर इससे कम भी होता तो भी बहुत होता, क्योंकि एक तो मारुति की ट्यूनिंग प्लस जो लाइट वेट है ना इसका, हवा से बातें करती है गाड़ी। तो ठीक है भाई, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगा लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगती है, और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर ऐसी ही और भी कोई वीडियो चाहिए हो तो। सबसे पहले ना भाई मैं आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, इसकी आवाज़ देखना कितनी आती है, ये देखो। हाँ, वाइब्रेशन भी भाई मेरे को फील हो रही है, और जो है ना थोड़ा सा है सीन। फर्स्ट गियर में डालते हैं गाड़ी को, हैंड ब्रेक हटाते हैं और चलते हैं अब ड्राइविंग रिव्यू की तरफ। पर इसका RPM अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कहाँ तक चढ़ता है दिखा देता हूँ, 6.5 पे जाके रुक जाता है भाई इसका RPM। देखो दोबारा लगभग 6 से 6500 RPM इसका चढ़ता है, उसके बाद नहीं चढ़ता है इसका RPM, और मार्किंग है 8000 तक। तो फर्स्ट गियर लगाते हैं और चलते हैं। एक तो भाई इसमें ना ये 2017 मॉडल है, तो इसमें पता नहीं क्या सीन है भाई, गाड़ी चली भी इतनी नहीं है, बट इसे पिक करने के लिए ना, गाड़ी को उठाने के लिए क्लच के साथ साथ आपको ठीक ठाक रेस देनी पड़ती है, ठीक ठाक, ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ रेस देनी पड़ेगी आपको। यार सबसे पहली चीज जो मेरे को बैठती फील हुई ना, इसका स्टीयरिंग ये देखना, इसका स्टीयरिंग ये देखो, लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट भाई मैं आपको स्टीयरिंग दिखा रहा था। मैं ना भाई स्टीयरिंग फीडबैक की बात कर रहा हूँ, देखो जैसे अभी यू टर्न लेंगे, देखना ये देखो स्टीयरिंग, देखना स्टीयरिंग रोटेशन, वापसी नहीं आ रहा भाई, देखो गाड़ी कहाँ भाग रही है, देख रहे हो ये सीन है। और ये चीज़ वैगनार में भी है भाई इशू इसका, मतलब अभी देखना ऐसे छोड़ दिया तो ऐसी जाएगी भाई गाड़ी, ऐसे छोड़ दिया ऐसे जाएगी, कितनी भी स्पीड हो गाड़ी की, बट ये देखो जहाँ छोड़ दोगे ना गाड़ी वहीं जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको थका सकती है, क्योंकि भाई इस पे ना आप अगर हाथ छोड़ोगे और आपने ऐसे करके छोड़ दिया ना तो गाड़ी वहीं भागेगी, एक्सपेक्ट मत करना इससे कि ये सीधी हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो अभी से थोड़ा बाहर की तरफ लेके चलते हैं, और भाई मेरे को इस गाड़ी को चला के मज़ा पता है क्यों आ रहा है इतना, क्योंकि भाई ये कॉम्पैक्ट इतनी है, मतलब छोटी सी लग रही है चलाने में, देखो जो इसे रोज़ ड्राइव करता होगा उसके लिए तो ये चीज़ नहीं लगेगी उसे, बट जैसे भाई मैं ब्रीजा चलाता हूँ ना, तो एक तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं से भी निकाल दो, जैसे स्कूटी चलाते हैं ना ऐसा फील आ रहा है कि जैसे ब्रेक ब्रेक मार रहे नहीं, निकाल दो कहीं पर भी निकल जाएगी, आप इसका मुँह घिसा दो निकलने का काम इसका खुद का हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट सी है, छोटी सी है, तो भाई सिटी में तो एक नंबर की चलती है, देखो जैसे यहाँ ट्रैफिक सा हो रहा है ना, तो अगर मेरे पास ब्रीजा होती तो मेरे को पीछे रुकना पड़ता, बट अब मेरे को पीछे नहीं रुकना है, मैं निकाल लूंगा यहाँ से, ये देखो। ये देखो भाई यार स्टीयरिंग कितना अजीब सा है भाई, फील ही नहीं आ रही चलाने में, हद है यार। ये देखो स्टीयरिंग का मैं बता रहा था, बिल्कुल अगर आप एक्सेलरेट कर दोगे ना उसके बाद आएगा भाई, ये यार भाई पिकअप तो इतना तगड़ा है इसका, मैं पंजा दबा रहा हूँ ना तो अभी देखना ही, देखो पीछे लगा देती है हल्का सा, मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ बट सीरियसली थोड़ा सा पीछे लगा देती है जब आप पूरा पंजा दबा देते हो, और फर्स्ट गियर में तो भाई कह नहीं क्या, चिपका देगी आपको बिल्कुल पीछे, और बोनट इसमें आपको नहीं दिखेगा जैसा आप लोग देख सकते हो, बट छोटा सा बोनट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आप लर्नर भी हो ना या पहली बार चला रहे हो उसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा इसे भाई यूटर्न के लिए भी स्पेस नहीं चाहिए, छोटा सा रेडियस है इसका, तो ये देखो मुड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो जैसे मैंने बताया था RPM 4-5000 तक खींचोगे ना उसके बाद इसका स्टीयरिंग सीधा होना स्टार्ट होगा, वरना नहीं होता है।
तो भाई कैडी है, देखना ज्यादा आरपीएम हाई नहीं हो, और दूसरे गियर में 50-60 पहुंच जाती है बड़े आराम से। और पिकअप बहुत हाई है इसका, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये चीज, पंजा दबाओगे ना तो काफी कम टाइम में ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी ये। माइलेज की अगर इसकी बात करूँ ना तो भाई सिटी में ही आपको 18 से 19 20 ऐसे दे देती है लाइट फुट अगर आप रखते हो, और अगर भाई आप इसे हाईवे वगैरह पे चलाते हो ना लाइट फुट माइलेज निकालने की, तो इससे 25-26 की भी लोग निकाल लेते हैं। और सीएनजी भी अगर आप इसमें रखवाओगे, वैसे सीएनजी ऑप्शन ऑल्टो वाले वेरिएंट में आता है, लेकिन अगर आपको केटीएम लेकर रखवानी है तो इसमें भी भाई बहुत ही बढ़िया एवरेज निकाल देगी, लगभग 25-26-27 का सिटी में पर केजी के हिसाब से निकाल लेती है इतना। और ऑन हाईवे मान लो 28-29-30 इतना निकाल देती है, मौज बांध देती है, मतलब आपकी भाई पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है ये। और इसीलिए जो फर्स्ट टाइम कार बायर होता है ना या फिर कोई गाड़ी सीखने के लिए लेता है तो वो ऑल्टो को ही प्रिफर करता है, क्योंकि भाई कम खर्चे की गाड़ी ऑल्टो ही है इंडिया में, तो 20 साल से राज कर रही है भाई, और हर महीने वही टॉप 5 की लिस्ट में आ जाती है अपना आराम, बड़े आराम से टॉप 1 पे भी आ जाती है भाई काफी बार तो, और टॉप 5 में तो इसकी जगह कहीं भी नहीं गई, मस्त अपनी बना लेती है बड़े आराम से। एक चीज अच्छी है इसमें ना, VX7 वेरिएंट में ये आरपीएम मीटर दे दिया है, तो थोड़ी फील आती है चलाने में क्या कितनी आप पावर, मतलब पंजा दबा रहे तो फील आती है ना एक, वरना अगर खाली ये होता LXi वेरिएंट में तो वो वाली बात नहीं रहती भाई। और काफी इजी टू ड्राइव गाड़ी है भाई इसमें ना, ज्यादा आपको ऐसा हैसल नहीं करना पड़ेगा कि जैसे आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो या फिर आप सीख रहे हो तो ज्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी भाई चलाने में कि ज्यादा बड़ी है या फिर कुछ ज्यादा इसके, समझ रहे हो ना, जैसे भाई VW की पोलो वगैरह चलाओगे ना तो वो थोड़ी सी आपको चलाने में हार्ड लगेगी, बट इसका ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी गाड़ी है भाई, कहीं पे भी लेके डोलो। और ये तो मेरे को ऐसी बच्ची सी लग रही है, मैं इसे लेके घूम रहा हूँ भाई काफी देर से, छोटी सी गाड़ी लग रही है, बिल्कुल स्कूटी की तरह चला रहा हूँ मैं इसे आज, कहीं से भी निकल जाती है, जहां स्कूटी चली जाए ना मतलब ये मान लो ये गाड़ी चली जाएगी वहां, कहीं से भी निकाल लो घुसा दो, छोटी सी गाड़ी है पिकअप। देखो फर्स्ट गियर में जाती है 30 की स्पीड मैक्सिमम, और भाई बॉडी रोल भी नहीं है इसमें, बिल्कुल बढ़िया स्टेबल गाड़ी, नीची है ना और छोटी सी है तो चिपक के चलती है बढ़िया, 100-120 की स्पीड आप अच्छे से मेंटेन इसमें करके चला लोगे बढ़िया तरीके से। और अगर लो गियर के अगर आप उठाओगे ना तो भी उठ जाएगी गाड़ी आराम से, बस थोड़ा सी आपको रेस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तीसरे गियर में उठाई थी मैंने अभी 20 की स्पीड से, तो आराम से उठ गई, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। अब मोड़ लेते हैं भाई गाड़ी को, और भाई देखो एक बार ना मैं इसे रोक के इसका वो चेक करता हूँ कि फर्स्ट गियर में इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है और क्या आरपीएम तक ये चली जाती है। ठीक है तो 3 यार सामने गाड़ी मुड़ रही है, यहाँ पे ना यार सिटी में ना बिल्कुल दिल्ली में तो जगह है ही नहीं है सब काम करने की, करके देखते हैं चलो। फिर भी आरपीएम में दिखा देता हूँ दोबारा, 6.5 तक जाता है ठीक है, और अब करते हैं चलो भाई गाड़ी पिक अपनी। फर्स्ट गियर में दिखाऊंगा मैं आपको इसकी हाईएस्ट स्पीड क्या है, तो ये देखो 50 की स्पीड पहुंच जाती है भाई इसमें फर्स्ट गियर में 50, और देख लो कितना टाइम हुआ मेरे, 2-3 सेकंड हुए, कितने 4 सेकंड हुए होंगे, 4-5 सेकंड फर्स्ट गियर में 50 की स्पीड पूरी पकड़ ली इसने, जो कि काफी अच्छी चीज है भाई। आते हैं फीडबैक की तरफ, देखो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स तो इस गाड़ी का है नहीं, देखो देख देख रहे हो, मतलब गाड़ी अगर ऐसे छोड़ दी तो ऐसे जाएगी, स्टेयरिंग ऐसे छोड़ दी ऐसे जाएगी, पता नहीं क्या सीन है, बट हाँ भाई खर्चा कुछ नहीं करवाएगी ये गाड़ी, और अगर खर्चा नहीं करवाएगी तो इसमें आपको एक भी कमी नजर नहीं आएगी, ये चीज गारंटी है आपको, ये गाड़ी बहुत ही पसंद आने वाली है, लो बजट कार है, अच्छी माइलेज वाली गाड़ी है, सिटी किंग, हाईवे पे भी आप इसे कभी कभी ले जा सकते हो, पिकअप बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और हाँ सीएनजी भी अगर आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, बहुत ही अच्छी माइलेज है, वैसे पेट्रोल में भी 18-20 के, तो इससे ज्यादा क्या ही लोगे आप, है ना, सीएनजी में फिर इसकी क्योंकि पावर भी कम लगेगी आपको थोड़ी सी। तो ठीक है भाई ये कुछ था आज की वीडियो में ऑल्टो K10 का ड्राइविंग रिव्यू, भाई मजा आ रहे हैं चलाने में, मैं तो आज इसे कल तक चलाऊंगा, सोऊंगा भी नहीं आज, पूरी रात चलाएंगे पूरा दिन चलाएंगे, मजे आ रहे हैं। और देखो बॉडी रोल ये देख रहे हो, गाड़ी ज्यादा झूल नहीं रही ना, पीछे वाला पीछे वाला देख रहा क्या हो गया, ये करके दिखाना पड़ता है ना वीडियो में। तो भाई अभी जैसे मैंने आपको दिखाया 50 की स्पीड पे मैंने बबलिंग करी,
50 की स्पीड पर बबलिंग करने के बाद भी भाई गाड़ी स्टेबल थी, स्टेबल तो है भाई गाड़ी। हाई स्पीड का तो भाई मेरे को पता नहीं, 100-120 पे तो नहीं होगी इतनी, बट हाँ सिटी के लिए तो भाई किंग है किंग। अगर सेकेंडरी गाड़ी भी अगर आप लेना चाहो ना तो श्योरली यू कैन गो फॉर ऑल्टो या फिर ऑल्टो K10। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगर इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना। चैनल पर नए हो तो भी प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे लगा लेना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना आपके पास भी ऑल्टो है, कैसी लगती है, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो पे, बाय।